पहले हलचल हुई तेज। सीजीआई ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया, बैठक हुई शुरू। गेस्ट हाउस कांड मामले में मायावती हुई मुलायम, सपा संरक्षक मुलायम के खिलाफ केस वापस लेंगी मायावती। नहीं थम रहा पुलिस और वकीलों के बीच विवाद का मामला, यूपी में आज हड़ताल पर 2.5 लाख वकील, अदालतों में कामकाज रहेगा ठप। कानपुर में थाने के अंदर पुलिस की जाती का वीडियो हुआ वायरल, एसओ ने युवक को दिया थर्ड डिग्री, खंभे बांधकर की जमकर पिटाई। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी और भारत समाचार के न्यूज रूम से सीधे आपके साथ जुड़ गई हूं। अयोध्या मसला दशकों से उलझा हुआ है लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिला है। अब इस पर सुनवाई हुई 40 दिन तक और उसके बाद अब देखिए आगे फैसला आने की घड़ी नजदीक आ रही है। आपको बता दें डीजीपी ओपी सिंह मीटिंग में मौजूद है। आज सीजीआई ने डीजीपी ओपी सिंह को बुलाया था दिल्ली। सीजीआई के चैंबर में यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंच चुके हैं। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग शुरू हो गई है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर प्लान बताएंगे आज और सुरक्षा व्यवस्था प्लान सीजीआई को बताना होगा। डीजीपी ओपी सिंह को और मुख्य सचिव को बुलाया गया सीजीआई की तरफ से, क्योंकि देखिए मसला बेहद संवेदनशील है। अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद और उसके बाद सभी की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है कि आखिरकार फैसला किसके हक में होगा। फिलहाल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीटिंग बुलाई और डीजीपी ओपी सिंह को दिल्ली बुला लिया है। मुख्य सचिव यूपी के उनको भी बुलाया गया और जो मीटिंग होनी थी चैंबर में उनके वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, तो सीजीआई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुलाया है डीजीपी ओपी सिंह को और सीएस को बुलाया गया है मीटिंग में। आज अहम मुद्दों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बातचीत होगी। अब आपको आगे देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव तलब हुए हैं, दोनों अफसरों की चीफ जस्टिस से मुलाकात। अयोध्या पर देखिए सुप्रीम नजर है ये, फैसले से पहले सुरक्षा की जानकारी लेंगे सीजीआई। कभी भी आ सकता है अयोध्या पर फैसला। तो देखिए दोनों लोगों को बुला लिया गया है और वैसे में आगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई किस तरह से सबसे बात करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे, मुख्य सचिव से बात करेंगे और वहां पर पूरे यूपी में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को तैयार किया गया है, मुस्तैद किया गया है, इन अहम बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अवैस जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे अवैस के पास। अवैस देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है, डीजीपी मुख्य सचिव पहुंच चुके हैं सीजीआई से मुलाकात करने, क्या कुछ जानकारी आपके पास, सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव जो हैं वो 11:20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और मीटिंग जो है बताया जा रहा है 15 मिनट पहले जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस मीटिंग में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जो दूसरे जज हैं जस्टिस बोबडे वो भी इस बैठक में शामिल है। और उसके अलावा हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो जिस बेंच ने इस मामले की सुनवाई की अयोध्या की वो भी इस मामले में वो सभी जज जो हैं वो 5 जज वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो बैठक है उत्तर प्रदेश में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, खासतौर से अयोध्या में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, उसको लेके चीफ जस्टिस जो हैं उनसे जानकारी हासिल करें और डीजीपी और मुख्य सचिव जो हैं वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल अवैस, देखिए बेहद संवेदनशील मसला है, इस पर सीजीआई की भी नजर लगातार बनी हुई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। अभिषेक का रुख करते हैं अवैस, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में किस तरह से चौक चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा को किस तरह से मुस्तैद किया गया है, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं यूपी में और पूरे प्रदेश भर में, लखनऊ में कैसी स्थिति? देखिए इस संवेदनशील विषय को लेकर के पहले ही सरकार की तरफ से डायरेक्टिव जारी किए जा चुके थे और कल देर रात भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने
सभी जिम्मेवार अधिकारियों के साथ, जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उन्होंने एक लंबी चौड़ी मीटिंग ली है और एक कई दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर लोकल इंटेलिजेंस को ज्यादा सक्रिय करने की बात कही गई है, इसके अलावा एरियल सर्विलांस पर ध्यान रखने की बात कही गई है। तो सिर्फ लखनऊ ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थान है, इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी और जितने संवेदनशील स्थान है, सभी जगहों पर विशेष चौकसी और फ्लैग मार्च करने के लिए कहा गया है। तमाम जो इलाके हैं लखनऊ के, पुराने लखनऊ की अगर बात कर लें, तो वहां पर फ्लैग मार्च भी हो रहा है, पोस्टर्स भी चिपकाए गए हैं, शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। और आज जुमे की नमाज में भी आज इस बात का जिक्र किया है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि निर्णय जो भी आए शांति बनाए रखना है। तो कमोबेश यही अपील दोनों तरफ से की जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जा रही है, फ्लैग मार्च के जरिए, पोस्टर के जरिए, दोनों कम्युनिटी के बीच में मीटिंग्स के जरिए, कि शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए और सरकार की इस पर खास नजर बनी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सभी की नजरें हैं, सरकार भी, केंद्र भी, राज्य सरकार भी और सीजीआई खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। आप दोनों को रोकना चाहेंगे, अहम जानकारी आप तक हमने पहुंचाई, कुछ तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें और उनको ये भी समझा दें कि किस तरह से अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम की बैठक हुई कल देर रात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, दिशा निर्देश दिए और अयोध्या की भी तस्वीर, चौकसी किस तरह से बढ़ाई गई है अयोध्या में सुरक्षा को लेकर, वो आप तक हम तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ अस्थाई जेल बनाई गई है अंबेडकर नगर में, वहां की भी तस्वीर, ताकि अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे माहौल अशांतिपूर्ण बने तो ऐसे में अस्थाई जेल का उपयोग किया जा सके। और प्रयागराज की भी तस्वीर, लखीमपुर की भी तस्वीर, मॉक ड्रिल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, हर तरह से देखिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और निपटने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, यूपी सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी देखिए लगातार जुड़े हुए हैं, अवैध जुड़े हुए हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे सीधे हम। अभिषेक देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सभी को दिशा निर्देश भी दिए, उस पर अमल किस तरह से हो रहा है आगे? अब देखिए, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है सभी जगह पर ड्रिल किया जा रहा है। और अगर अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर खास इंतजाम इसलिए भी किया गया क्योंकि वहां पर 14 कोसी और पंच कोसी परिक्रमा चल रही थी और देश भर के श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कल देर रात तक अयोध्या में स्पॉट किए गए हैं, जो मौजूद थे, जो बाहर से आए हुए थे। तो ये भी एक कंसर्न है कि कैसे शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, खासतौर पर अयोध्या में जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर से आए हुए हैं। और शायद इसीलिए भी आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया गया है कि अयोध्या में खासतौर पर मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से बहुत आए हुए हैं, 12 वफात है, उसको लेकर के भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि दो ऐसी चीजें साथ में हैं जब अयोध्या का एक मसला है और उसका निर्णय आना है। तो एक दिशा निर्देश देने के साथ साथ तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है, कम से कम चीफ जस्टिस के लेवल पर और उत्तर प्रदेश सरकार के लेवल पर, कि इस फैसले से किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बेहद अहम फैसला आएगा, इसको लेकर तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, आप लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अभिषेक। लेकिन कुछ ग्राफिक्स हैं वो दर्शकों तक पहुंचा दे, अहम जानकारियां। अयोध्या पर सुप्रीम नजर, दोनों अफसरों की चीफ जस्टिस से मुलाकात और फैसले से पहले सुरक्षा की जानकारी ले रहे हैं सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। कभी भी फैसला आ सकता है अयोध्या पर, क्योंकि 14-15 वो तारीख कही जा रही कि शायद इन तारीखों में फैसला आ जाए। फैसले से पहले पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस, यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया गया है, तलब किया गया है, दोनों अफसरों से मुलाकात चल रही है सीजीआई की। तो देखिए अयोध्या का फैसला आने वाला है, सभी को इंतजार है, लेकिन भारत समाचार भी इस वक्त आपको एक अहम जानकारी पहुंचाता है कि किस तरह से इस संवेदनशील मसले पर कोई भी अफवाह ना फैले उसको ध्यान में किस तरह से रख रहा है भारत समाचार। ये ब्रजेश मिश्रा एडिटर इन चीफ भारत समाचार के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, कहा ये स्वनियम चैनल पर अयोध्या के फैसले के पहले और बाद में भी अमल रहेगा, ताकि कोई भी अगर अफवाह फैलती तो उसको हम चैनल पे प्रसारित ना करें।
इसी के साथ आगे उन्होंने लिखा है, भारत समाचार के संपादकीय विभाग ने एक मत से निर्णय लिया कि अयोध्या प्रकरण में जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी, अगर उनसे हिंसा भड़कती है तो उनका हम बेहद ध्यान रखेंगे, अपने चैनल पर उसको प्रसारित नहीं किया जाएगा। ये स्वनिर्भर चैनल पर अयोध्या फैसले के पहले और बाद में भी अमल किया जाएगा। अब देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अवैस लगातार दिल्ली में मौजूद है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक एक पल की अपडेट अवैस से हम जाएंगे। अवैस, बैठक शुरू हो चुकी है सीजीआई के साथ, डीजीपी की, साथ ही साथ मुख्य सचिव की, लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है अवैस कि अयोध्या को चार जोन में डिवाइड किया गया है, वो कौन चार जोन है जिनको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, इसकी जानकारी दीजिए आप दर्शकों को। जी बिल्कुल, एक अहम खबर आ रही है, पहले मैं वो बता दूं कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस बैठक में अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले जो 5 जजेज हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें जस्टिस बोबडे हैं, जस्टिस नजीर हैं, जस्टिस भूषण हैं और जस्टिस जीवाई चंचूट, ये 5 जजेज जिन्होंने अयोध्या मामले की सुनवाई की थी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, और लगातार जो ओपी सिंह हैं डीजीपी उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, क्या कोई समय सीमा जो है, समय हम निश्चित कर सकते हैं कि इस दिन फैसला सुनाया या इस वक्त फैसला सुनाया, उसका असर क्या होगा, इस तरह के सवाल भी जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो लगातार इन लोग से पूछ रही है। अगर जहां तक सुरक्षा की बात है अयोध्या की, तो केंद्र सरकार ने 4,000 यूनिट एक्स्ट्रा भेजने की अयोध्या में बात की है, जो अपने आप में दर्शाता कि कितना गंभीर मामला है और सुरक्षा की चूक किसी भी तरह से, जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहती कि पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसी इनपुट्स भी आए थे कि 7 आतंकवादी जो हैं वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए थे पिछले 4 दिन से, वो कहां पे, इस बारे में किसी भी तरह का कोई इनपुट अभी तक सुरक्षा एजेंसियों से नहीं मिला है, तो ऐसे में बहुत गंभीर मामला, और ये बात कही जा रही थी कि जो आतंकवादी उत्तर प्रदेश में घुसे हैं वो लगातार कोशिश करेंगे कि किस तरह से शांति जो है वो भंग की जाए अयोध्या में, चाहे वो जजमेंट के पहले हो या जजमेंट के बाद, तो बेहद ही गंभीर स्थिति सुरक्षा के लिए बनी है, और सुरक्षा जरूरी है ताकि माहौल शांतिपूर्वक